आधार कार्ड सेंटरों पर संचालकों की मनमानी और धांधली चल रही है। जनता को सही जानकारी के अभाव में आधार कार्ड सेंटर के कंप्यूटर ऑपरेटर मुंह मांगे वसूल रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के गुना बैंक ऑफ इंडिया गुना की शाखा में संचालित आधार सेंटर से सामने आया है, जहां एक बच्ची का आधार कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये मांगे गए। बच्ची के पालक ने जब नियम का हवाला दिया तो कहा गया कि फॉर्म भरने के पैसे देना पड़ेंगे। इस दौरान दोनों के बीच बहसबाजी भी हुई। बच्ची के पालक द्वारा संचालक का वीडियो भी बनाया गया। इसका जन्म 7 सितंबर 2024 को हुआ है। मैं आधार सेंटर ऑपरेटर द्वारा मेरे से 100 रुपये मांगे गए। मैंने पूछे किस बात के 100 रुपये ले रहे हो आप। उन्होंने मुझसे बोला कि फॉर्म बनने के वो फॉर्म के पैसे लगते हैं यहाँ पे। मैंने उनसे पीएम सर से भी कंप्लेन की तो उनने सर में मुझे पर रिटर्न में था, उनके द्वारा बताया गया आप ऑपरेटर से बात करें, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, ये बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र है, तो ये बच्ची साथ में लेके गया था। मेरे ऑपरेटर ने 100 रुपये मांगे मुझसे नया आधार कार्ड बनवाने, जबकि 0 से 5 वर्ष के लिए गाइडलाइन के हिसाब से 100 रुपये नहीं लगते, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता।